उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन लोगों पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इससे पहले शुक्रवार को घंटाघर पर NRC और CAA के खिलाफ कुछ लोगों ने CRPC की धारा 144 लगने के बाद भी कैंडल मार्च निकाला था। बताया जा रहा है कि मार्च निकालने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सभी लोगों के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत केस ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बहरहाल 30 जनवरी को प्रदर्शनकारी घंटाघर चौक पर इकट्ठा हुए थे और विरोध प्रदर्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे। विरोध स्थल पर टेंट के निर्माण को लेकर भी पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की बहस हुई थी। हालांकि प्रदर्शन के बीच पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने घंटाघर पहुंचकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का समर्थन किया और ये कहा कि जो कानून जिसने बनाया है वो लोग हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं और दुश्मन हैं, इनको मेरा पूरा समर्थन है। वहीं पिछले दिनों घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने नोटिस भेजकर घंटाघर खाली करने का आदेश दिया था, जिस पर महिलाओं ने नोटिस रिसीव नहीं किया है और नोटिस देने को तैयार नहीं है। महिलाओं की माने तो नोटिस सरकार कितना भी दे ले, लेकिन वो घंटाघर खाली नहीं करेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े। देखिए, मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसी नोटिस आई, हमारी बहनें जो बता रही हैं। हालांकि अगर कोई नोटिस ऐसी आती है तो ठीक है, वही बोलते हैं कि घंटाघर खाली कर दें, तो मुझे कोई मुकर्रर जगह बता दें कि हम कहां पर प्रोटेस्ट करें। अगर विकास चंद्र त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि नहीं, हम नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ की औरतें हट जाएं, जाकर कहीं और धरना दें, तो मुझे जगह बताएं कि हम कहाँ पर जाएं यहाँ से उठ करके। धरना तो हम देंगे, क्योंकि हमारी बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। हमारी जो मांग है उसकी हमारी अभी कोई कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम तो अपनी मांग के साथ बैठेंगे ना। तो अगर उनको लगता है घंटाघर हमसे खाली कराना है, तो हमको जगह बता दें कि हम कहाँ बैठे। आप उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि आप उन्हें जगह बताइए कि हम कहाँ जाएं, तब नोटिस देने की बात करें वो। जी हाँ, परसों नोटिस आई थी। जब नोटिस को मैंने कहा कि उन्होंने कहा रिसीव कर लीजिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रिसीव करूँगी, मैं देखती हूँ क्या है इसमें। तो उसमें लिखा धारा 144 आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये गैर कानूनी। लेकिन चलो ठीक है, मैं कह रही गैर कानूनी नहीं है, अधिकार के लिए लड़ाई करना कोई गैर कानूनी, संविधान में लिखा हुआ है हमारे। बट लेकिन अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति जैसे हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जब वो यहाँ रैली करते हैं गैर कानूनी तरीके से और धारा 144 लगी उनके ऊपर, वो ठीक है, और जो हम लोग एकदम शांतिपूर्ण कर रहे हैं वो गलत है। कहाँ से ये सब है आप बताइए। नोटिस में ये कहा जा रहा है कि आप लोग घंटाघर खाली कर दीजिए। जी, मैं घंटा घर क्यों खाली करूं, ये तो कानूनी अधिकार है मेरा। हम लोगों को प्रोटेक्ट करना कानूनी अधिकार होता है कि जो आपको गवर्नमेंट जो कानून लाती है, अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसके विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं, और ये हमारा गैर कानूनी अधिकार है। संविधान के हिसाब से हम लोग खड़े, संविधान को बचाने निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।